सभी साथियों का मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम देवीलाल है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में स्पेशल बीएड के द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूं और वर्तमान में राज्य के उप जिला चिकित्सालय रुड़की में काउंसलर पद पर कार्यरत हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं अपने घर पर होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में आया हुआ है और जिससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। जहाँ हम रोज नए कोरोना संक्रमित केस देख रहे हैं, सभी विभाग इस विकट स्थिति में अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वर्तमान में मेरा कार्यस्थल राजकीय उप जिला चिकित्सालय रुड़की में आइसोलेशन वार्ड है, जहाँ मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है और देर रात तक चलती है। मुझे बेहद खुशी का अनुभव होता है कि अपने देश के लिए कार्य कर रहा हूँ और मेरा हर संभव यही प्रयास रहता है कि काउंसलर होने के नाते सामने वाले व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न कर उनका उचित मार्गदर्शन कर सकूं, जिससे कि उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो। मैं प्रारंभ में थोड़ा परेशान रहता था कि इस विकट स्थिति में अपनी ड्यूटी के साथ साथ इस सेमेस्टर की पढ़ाई बिना किताबों के कैसे संभव हो पाएगी। मैं अपनी पढ़ाई भी निरंतर करना चाहता हूं। हम सभी विद्यार्थी धन्यवाद कहना चाहेंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को, जिन्होंने हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की और हमारे सभी विषयों की ई बुक उपलब्ध कराई। मैं स्पेशली धन्यवाद कहना चाहूँगा डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल सर को, जो हर संभव हम सभी विद्यार्थियों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। आपके द्वारा समय समय पर हमें YouTube व WhatsApp के माध्यम से उपरोक्त विषयों की वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे हम सभी विद्यार्थियों को तैयारी करने में बहुत आसानी हो रही है। और अंत में मैं सभी सहपाठियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी अपने घर पर रहें और इन सभी बातों पर ध्यान दें। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें, क्योंकि आप देख कर नहीं पहचान सकते कि सामने वाला कोरोना संक्रमित है या नहीं। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो सामने वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना संक्रमित मानकर चलें और एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों में कोई भी लक्षण नहीं है, उसके बाद भी वह संक्रमित पाए जा रहे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। रिसेंटली उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से स्पेशल बीएड कर रही हूँ और मैं साथ में उत्तराखंड बास्केटबॉल गर्ल्स टीम की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हूँ। मेरे लिए डेली रूटीन का फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस समय COVID-19 से जूझ रहे हैं और लॉकडाउन के से हम सब लोग घर पे हैं, तो इसे हमारी सारी एक्टिविटीज डिस्टर्ब है, जैसे कि हमारी एजुकेशन, हमारे फिजिकल फिटनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग घर पे रहें कि ही फिजिकल फिटनेस अपनी कंटिन्यू करें, छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें ऑनलाइन मीडियम से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई ऑनलाइन ही कर रही हूँ घर पे बैठ कर। इसलिए कोशिश करें कि आप घर पे रहें, जब जरूरी हो तो घर से कभी बाहर जाएं और मास्क का यूज जरूर करें। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम मोहित कुमार, स्टूडेंट ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, स्पेशल बीएड एमआर। वर्तमान में आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी से बचाव के उपाय हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इस तरीके से घर में बने या बाहर से खरीदे हुए मास्क का बाहर निकलने से पहले आपको उपयोग करना है और लगातार अपने हाथों को साफ करते रहना है। साथ साथ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से प्रेरणा लेते हुए, पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा देने के लिए जो नीति उन्होंने अपनाई अपने स्टूडेंट से जुड़ने के लिए, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास को पढ़ता पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतिहास में हमने सिकंदर जैसे विश्वविजेता को लौटाया है, ठीक है, जो सेनाएँ सब जगह जीत रही थी, ब्रिटिश सेनाएं, उनको भी हमने अपने आत्मबल और संयम से हराया है। तो इसी प्रकार से हम कोरोना पर भी विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना पर विजय प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, इसको हम आराम से जीत लेंगे यदि आप संयम से रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को हराया है और एक शिक्षक है वो सदैव अपनी सेवाएं देता रहता है। जैसे एक वसीम बरेलवी का शेर है कि जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। वसीम, सदियों की आंखों से देख मुझको,
मैं वो लफ्ज़ हूँ जो कभी दास्तां नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। हेलो एवरीवन, मैं मयंक गुणवंत, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी से बीएड स्पेशल स्टूडेंट। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोरोना वायरस COVID-19 की वजह से हमारी मूलभूत ज़रूरत शिक्षा में बहुत परेशानी हो रही है, जिस वजह से हमारी शिक्षा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से कराई जा रही है, जिसमें हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने इस मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है, जिस वजह से मुझे मेरी शिक्षा में कोरोना वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करूंगा जो मैंने इस लॉकडाउन के समय में किया। मैंने और मेरे कुछ मित्रों ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ज़रूरतमंदों की मदद की और हमने उन्हें कोरोना वायरस के बारे में ही बताया जो हमें उस समय नॉलेज थी। और मैं अभी भी पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ और मैं हमेशा न्यूज़ से अपडेट रह रहा हूँ और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहा हूँ। और मैं आपके साथ कुछ पंक्तियाँ शेयर करूँगा जो मैंने इस बीच लिखी। कोरोना को भगाना है, अरे भाई कोरोना को भगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाना है, अरे भाई कोरोना को भगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाना है, बच्चे और बड़े सभी को जागरूक बनाना है, बच्चे और बड़े सभी को जागरूक बनाना है और सभी को कोरोना पीड़ितों के साथ और सभी को कोरोना पीड़ितों के साथ सही व्यवहार का पाठ भी पढ़ाना है। और हम कोरोना से जंग जरूर जीतेंगे और बच्चे, विशेष बच्चे और बुजुर्ग का विशेष ध्यान रखें। और बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर शालिनी ठाकुर है, मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड स्पेशल एजुकेशन की सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही साथ मैं दो बच्चों की माँ भी हूँ। इस वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन के समय में मैं अपने दोनों बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज में हेल्प कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ मैं अपनी बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा कर रही हूँ। इस समय मैंने अपने परिवार का हाथ धोकर कोरोना से बचाव किया। मैं आपको भी यह तरीका बताना चाहती हूँ जिससे आप भी अपने परिवार का कोरोना से बचाव कर सकते हैं। आपको इस तरह से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोना है। इस तरह से हाथ धोकर आप अपना और आप अपने परिवार का कोरोना से बचाव कर सकते हैं। नमस्ते, मैं सलोनी आनंद, मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर रही हूँ। जैसे कि COVID-19 की वजह से हमारे अभी सब रहन सहन का और पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल गया है, उसी तरीके से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी हमें ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रही है और हम घर बैठकर ही ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे देश के सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो भी ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस को अपनाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। इस महामारी की वजह से देश की किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, इसीलिए देश के सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो ई लर्निंग को, ई क्लासेस को, स्टडी मटेरियल को अपनाकर अपने भविष्य में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रेखा मेहता है और मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ और मैं इंटरनेशनल पैरा प्लेयर भी हूँ। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्पेशल बीएड की छात्रा हूँ। इस लॉकडाउन के समय में मैं सुरक्षित हूँ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही हूँ। अपनी ऑनलाइन एजुकेशन जो है अपनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से ले रही हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के सारे टीचर्स का, जो उन्होंने इस समय में भी हमें अपना टाइम दिया, हमें इतना नॉलेज दिया। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ
और अपने साथियों सहपाठियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो इस लॉकडाउन के समय में अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, उसका यूज़ करें और घर पे सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनाली चंद्रा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ स्पेशल ब्रीदिंग उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। अलॉन्ग विद दिस आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर अ चाइल्ड केयर क्लिनिक विच इज़ इन हल्द्वानी। आज पूरी दुनिया की सुई बस एक बात पर टिके, दैट इज COVID-19 पेंडेमिक। यस, COVID-19 पेंडेमिक विच इज़ फ्यू डेज बैक स्टार्टेड विद ओनली वन केस एंड नाउ इट्स ट्रेंडिंग ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ अवर कंट्री। इस पेंडेमिक सिचुएशन के रहते हुए बहुत से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिप्रेशन में चला है, किसी को एंग्जाइटी हो रही है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जो कि चार दीवारी में बंद होकर सोच रहे हैं कि बस यही हमारी लिमिटेशंस हैं और हम अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो हम अपनी एजुकेशन कैसे, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप घर पे भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। ई लर्निंग का सहारा लेके ऑनलाइन वर्कशॉप वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। मैं इन दिनों क्लिनिक भी जा रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसका डटकर सामना ना कर सके। क्लिनिक में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी इन स्पेशल बच्चों को ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। साथ ही साथ हम इनका पूरे तरीके से सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखते हैं। जैसे ही वो एंट्रेंस से अंदर आते हैं, प्रॉपर तरीके से उनका सैनिटाइजेशन किया जाता है और जब हम खुद आते हैं तो हमारा भी इसी तरह सैनिटाइजेशन किया जाता है। मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि पूरी सेफ्टी रहे। तो जब कोरोना वायरस मेरी ड्रीम या एजुकेशन को लिमिटेड नहीं रख सका तो आप भी इन हालातों में कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव कर पाएंगे, क्योंकि चाहे जो भी हो हालात, जज्बा ज़रूरी है, शिक्षित रहने की अपनी चाह अब ना अधूरी। मैं नरेश चंद्र पाठक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में स्पेशल बीएड का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में पूरा विश्व एक भयानक महामारी से जूझ रहा है जिसका नाम है COVID-19 या कोरोना के नाम से जाना जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने या छींकने के द्वारा फैलती है। तो अभी तक इसका इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसीलिए जो इसका इलाज है वो सिर्फ सावधानी है, हमें सावधान रहना है और जो ज़रूरी दिशा निर्देश बनाए हुए हैं उनका पालन करना है। जैसे हमें घर से बाहर निकलना है तो हमेशा मास्क पहन के बाहर निकलना है, और जब भी वापस घर पे आएंगे तो सबसे पहले बिना कुछ छुए हुए हमें अपने हाथों को धोना है और लगभग 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोने के बाद फिर जो भी और चीज़ें हैं, खाने का सामान है या कोई और सामान है, उनको छू सकते हैं, लेकिन बिना हाथ धुले हमें नहीं छूना है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कहीं थूक रखा है, कहीं छींका हुआ है या कहीं पर भी इस वायरस का संक्रमित व्यक्ति उसने छू रखा है, तो अगर हमारा हाथ उस जगह पर कहीं संपर्क में आ गया होगा तो वो वायरस हमारे हाथ से हमारे घर पर पहुँच सकता है और जहाँ पर भी हम टच करेंगे उस जगह पर लगभग 2 से 3 दिन तक जीवित रह सकता है। और यदि कोई और व्यक्ति वहाँ पर अपना हाथ रखेगा, उस जगह को छुएगा, तो वो वायरस इजीली उसमें भी पहुँच जाएगा। तो जब इस प्रकार का वायरस है तो इसके लिए हमें भी अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि कोई भी संभावना नहीं रहनी चाहिए कि वायरस हमारे घर तक पहुँचे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हितेश धवन है और मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जून 2019 बैच में बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स का स्टूडेंट हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और आरसीए रजिस्टर्ड वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं सीबीएसई स्कूल में 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के स्पेशल बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। मेरा सोमान लर्निंग सेंटर के नाम से रोहिणी दिल्ली में एक स्पेशल बच्चों का सेंटर स्थित है, जहाँ पर NIOS की स्कूलिंग के अलावा हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, वोकेशनल एजुकेशन जिसके अंतर्गत हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, IT, टूरिज्म आदि कोर्सेस
के अलावा स्पेशल एजुकेशन, रेमेडियल एजुकेशन, काउंसलिंग, असेसमेंट और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन को सम्मिलित किया गया है। इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान मेरे 20 लोगों की टीम, जिसके अंतर्गत ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल ऑनलाइन एप्लीकेशन की सहायता से अपनी सुविधाएं इन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ पोखरियाल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पाठ्यक्रम समन्वयक भी हूं और साथ ही साथ इस लॉकडाउन की अवधि में मैं अपने छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद भी कर रहा हूं और ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करते हुए अपने विद्यार्थियों से जुड़ा हूं, उनकी समस्याओं का निस्तारण कर रहा हूं, अपनी बुकों को ई बुक्स के रूप में उन तक पहुंचा रहा हूं, अपने असाइनमेंट उन तक पहुंचा रहा हूं, साथ ही साथ उनसे भी अपेक्षा कर रहा हूं कि वो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें, क्योंकि ये लॉकडाउन है पर इसमें वर्क को लॉकडाउन नहीं करना है, वर्क हमने अपना चलाता रहना है, अपने एकेडमिक कार्यक्रम हम ऑनलाइन करते रहें। मेरा देश के सभी विद्यार्थियों, उत्तराखंड के में स्थित जितने भी मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करते रहें और इस लॉकडाउन में और कोविड 19 के इस दौर में अपने को सुरक्षित भी रखें और अपने कार्यों का भी सुचारू रूप से संचालन करते रहें। धन्यवाद।